नमस्कार मित्रों, आर्मी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज देखेंगे मैथ का टॉपिक जो है बेईमान दुकानदार, जो गलत बात का प्रयोग करके लाभ कमाता है, कहीं डिस्काउंट करके लाभ कमाता है, गलत बोलकर हमेशा लाभ कमाता है। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, खरीदते और बेचते समय 20% वजन का घपला करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि क्रय करते समय 20% का घपला करता है। 20% का मान क्या होगा? 1/5 होगा। ये 5 की वस्तु जब लाता है तो 1 जो है कि घपला कर देता है, 1 कम मिला देता है तो 4 रुपया मिला देता है। 5 की वस्तु 4, जब बेचता है तब भी बेईमानी करता है तो 20% का मान 1/5 होगा। अब 5 की वस्तु जब बेईमानी करके बेचेगा तो ये 5 की वस्तु 1 जो है बढ़ा कर बेच देगा तो ये 6 रुपया बेच देगा। अब देखते हैं तो ये 5 से 5 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 2 × 4 दो गुणा 6, तो ये 2 रेशियो कितना होगा? 3 होगा। 2 का सामान कितने में बेच दिया? 3 में बेच दिया तो 1 का लाभ हो गया। किसके लाभ हुआ? 2 पे। तो प्रतिशत लाभ मतलब 100 पे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो 2 से इसको काट देंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 50%, जो कि आपका तीसरा नंबर विकल्प सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार खरीदते और बेचते समय भार में 5% की बेईमानी करता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ 5% का मान क्या होगा? तो 5% का मान होगा 1/20। 20 का सामान है 1 रुपया घपला कर देता है, तो 20 का सामान कितने में लाता है? तो 1 रुपया कम में लाता है। और फिर कहता है कि बेचते समय भी 1 रुपया मारता है, तो 20 का सामान 1 रुपया बढ़ा कर बेच देता है, तो 1 रुपया बढ़ा कर बेचेगा तो 21 में बेचेगा। अब इसको अगर हम देखेंगे कितना लाभ हुआ, तो 20 का 20 कट जाएगा, ये 19 का सामान 21 में बेचेगा, तो यहाँ 2 का लाभ होगा 19 से। तो कहने का मतलब ये 100 पे कितने का लाभ होगा? तो 100 पे कितने का लाभ होगा? तो 100 पे देखेंगे तो 200 बटे में 19, 19 से कम 19 10, 19 से कम 19 से 1 बचेगा, 10 भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे फिर 10 और बढ़ाएंगे 100, 19×5=95, 19×38 आपका करेक्ट आंसर जो होगा 10.52%, जो पहला आंसर सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तौल कर 25% का लाभ कमाता है, 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम का प्रयोग करता है? ये कहता है कि एक व्यापारी जो है 25% लाभ पर अपनी वस्तुओं को बेचता है, तो 25% का मतलब ये 100 रुपया की वस्तु है, आप 25 बढ़ा कर दाम लेगा तो हम कहेंगे कि 125 में बेच। अब कहता है कि वो व्यापारी जो 1 किलोग्राम देना चाहिए, 1 किलोग्राम की वजह वो कितना ग्राम आपका वजन देता है, तो 1 किलोग्राम का मतलब कितना होगा? तो 1 किलोग्राम जो बताता है तो 1000 ग्राम। तो आखिर 125 का मतलब 1000 ग्राम होगा, तो 125 का कितना बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1000 ग्राम बन जाएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक भी हम 100 में भी 8 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 की जगह 1 किलोग्राम की जगह वो 800 ग्राम ही तौलता है। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन इसका सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, परंतु 200 ग्राम कम तौलता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 20% ज्यादा, तो 20% की वैल्यू क्या होगा? तो
तो 20% की वैल्यू 1/5 होगा। अब 5 में 1 ज्यादा, तो ये 5 की वस्तु है 1 ज्यादा तौलता है, देता है, तो ये 5 की वस्तु 6 में हो जाएगी। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो 10% की वैल्यू क्या होगा, 1/10 होगा। और 10 का समान है, कहता है कि इस पे 1 कम करके देगा, 1 छूट कर देगा, 9 में हो जाएगा। अब परंतु 200 ग्राम कम तौलता है, जबकि ग्राहक को बताता है कि ये 1000 ग्राम है और इसमें 200 ग्राम घटा देंगे, तो इसका मतलब ये ग्राहक को कितना देता है, 800 ग्राम देता है। अब देखते हैं तो 1, 2, 0 से 2 0 कटा देंगे, ये 10 से 10 कट जाएगा। आप उसके बाद अगर देखते हैं तो ये 2 से कटाएंगे 4 और 2 से कटाएंगे 3, तो यहाँ 5 चौक का कितना हो, 20 हो जाएगा, और कितना होगा, 27 होगा। 20 का समान 27 से बेचता है, इसका मतलब 20 पे 7 का लाभ होता है, तो 100 पे कितना लाभ होगा, तो 20 × 5 = 100, तो 100 पे हम कहेंगे कि 35% का लाभ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है, वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित मूल्य करता है, तो शुद्ध लाभ क्या है। एक व्यापारी के पास जो है एक तराजू, वो क्या करता है कि जहां ये 1000 ग्राम होना चाहिए, उसको बताता है कि ये 1200 ग्राम। अब जो है वह अपने क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित मूल्य करता है, तो 10% की वैल्यू होगा 1/10, और 1 जो है कि अधिक मूल्य करेगा, 10 का समान जो होगा 1 बढ़ा कर अंकित। तो पूछता है कि शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या, तो यहाँ देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटा देंगे, आइए देखेंगे तो 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो 100 बनेगा, 12 में 11 का गुणा करेंगे तो 132 बनेगा। तो 100 पे कितना रुपया का उसे लाभ होता है, तो ये 32 होता है। अब प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत 100 खुद ही बना गया है, तो प्रतिशत में इसका जवाब होगा 32%, जो पहला आंसर आपका सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 12 से 1/2% की हानि उठाता है, परंतु 25 ग्राम की जगह 20 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसको होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत होगा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी है और 12.5% का हानि नुकसान उठाता है, तो नुकसान कहने का मतलब कि 12.5% का मान क्या होगा, 1/8, मतलब 8 की वस्तु 1 कम करके दे देता है, तो 8 की वस्तु 7 में दे देता है, और कहता है 25 ग्राम की जगह 20 ग्राम तौलता है, इसको ग्राहक को बताता है ये 25 ग्राम है, लेकिन अपने यहाँ से 20 ग्राम देता है, तो कह रहा है उसको होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो। तो यहाँ से अगर 5 से कटाएंगे तो 5 होगा, ये 4 हो जाएगा, आइए 8 चौक का कितना होगा, 32 होगा, और 7 × 5 कितना होगा, 35, मैंने 32 का समान 35 में दे रहा है, तो आप जान सकते हैं कि 3 का लाभ होता है, कितने पे, 32 से, तो 100 पे कितना होगा, तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो 300, तो देखेंगे कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 4 से कटा देंगे तो ये 8 बनेगा, 4 से इसको काट देंगे तो 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, आप इसे 8 × 9 = 72 हो जाएगा, 3/8, ये 8% का क्या होगा, लाभ होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन सही है। आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि इसको कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार अपने मांग पर क्रय मूल्य से 19% अधिक मूल्य अंकित करता है, सामान बेचते समय वह 1 किलोग्राम की बजाय 952 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। आइए देखते हैं, 19% अधिक अंकित करता है, तो इसका मतलब 100 का सामान जो है
इसको 19 अधिक अंकित करके बना लेता है तो 119 हो जाएगा। कहता है कि 1 किलोग्राम की वजन मतलब 1000 ग्राम की वजन वह कितना देता है तो 952 ग्राम ही वजन का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या। इसलिए भी देखेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो को हम कट कर देंगे। यहाँ देखेंगे 100 का 8 गुना 800 और 19 वाट के 152, 800 में 152 जुड़ेंगे तो 952। इसका मतलब कि ये 8 से कट जाएगा, 8 बार 119 का 8 बार टेबल पढ़ेंगे 952। अब देखेंगे तो इसको 2 से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे 5 हो जाएगा, तो ये 4:5 हो गया। 4 में का वस्तु 5 में देता है तो 1 का लाभ करता है कितने में, 4 में, तो 100 में कितने का लाभ होगा तो यह प्रतिशत लाभ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25% का यहाँ लाभ हो जाएगा जो कि पहला ऑप्शन सही है। इसी के साथ ये क्लास जो हमारा समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये चैनल आप आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।